अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आर्ट क्लास क्लास वन। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ड्रॉ कोकोनट ड्रिंक। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक में मेंशन है, आप सबको देख सकते हो कोकोनट ड्रिंक। तो आप सब ने कोकोनट ड्रिंक पिया होगा, तो कोकोनट ड्रिंक चलिए ड्रॉ करते हैं आज की ड्रॉइंग। सो टेक योर आर्ट कॉपी, पेंसिल बॉक्स, नाउ ड्रॉ मार्जिन ऑन ऑल द फोर साइड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ कर रखी है। क्लास करना क्या है, सबसे पहले मेक एन ओवल शेप, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से एक ओवल शेप ड्रॉ करना है। आई होप आप सबको अब ओवल शेप ड्रॉ करना आ गया होगा अच्छे से। इस तरह से सिंपल सा ओवल शेप ड्रॉ करना है हमें। देख सकते हैं आप, नाउ डबल द शेप। अपनी कॉपी को इस तरह से टर्न करते जाइए और सेम डायरेक्शन में आपको अपनी पेंसिल को मूव करना है। Like this. Class image थोड़ी big draw कीजिएगा, small draw करेंगे तो curving करने में आपको problem होगी। जब आपका ये shape draw हो जाएगा इस तरह से, now turn your copy. अब करना क्या है, अब हमें यहाँ से लेना है इस point से और नीचे जाना है। सकते हैं इस डायरेक्शन में भी, हाफ इस साइड से लेना है, हाफ इस साइड से। चलिए आप देख सकते हो आपका जो कोकोनट का जो शेप है वो इस तरह से आएगा ओवल शेप। उसके बाद आपको तो बोथ साइड से इस तरह से नीचे जाके स्लैंट लाइन करके यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। जब आपका ये पार्ट ना ड्रॉ हो जाएगा, अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे एक छोटा सा अम्ब्रेला। तो चलिए यहाँ पे एक अम्ब्रेला ड्रॉ करते हैं। बस अम्ब्रेला के लिए हम इस तरह से ये थ्री लाइंस कर्व करेंगे। अब इस तरह से स्ट्रेट स्लैंट लाइन करते हुए ये अम्ब्रेला ड्रॉ कर देंगे और ये अम्ब्रेला हमारा इसके अंदर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम एक स्ट्रॉ, जिसे आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं भी यहाँ पे एक स्केल यूज कर रही हूँ। करना है कैसे, आप देख सकते हो एक स्लांट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, दूसरी भी स्लांट लाइन और सेकेंड लाइन होगी वो थोड़ी सी बिग होगी। अब यहाँ से पर तरह से करते हुए और यहाँ पे आप एक इस तरह से हम स्ट्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रॉ के अंदर की जो लाइन आई है कोकोनट की वो इरेज कर दीजिए। उसी तरह से सेम अम्ब्रेला में भी जो कोकोनट की लाइन आ गई है उसे इरेज कर दीजिए। अब इसी कोकोनट में हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करेंगे। तो फ्लावर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन के लिए करते हैं, किया जाता है ये फ्लावर वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक
फ्लावर के लिए एक हम कर्व लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी एक राउंड शेप मैंने ड्रॉ किया है। अब इस तरह से लाइंस ड्रॉ करिए, फ्लावर के अंदर जो कोकोनट की लाइन आएंगी उन्हें फिर हम इरेज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें रेजेस की तरह ड्रॉ करना है। और उसके बाद इसी से फ्लावर है और इस तरह से इसे कर्व करते जाना है। ये देखिए, अब इस फ्लावर के अंदर जो भी कोकोनट की लाइंस आई हैं वो हम इरेज कर देंगे। आप भी इसी तरह इरेज कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी फ्लावर की लाइन है उन सारी लाइंस को फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो कोकोनट ड्रिंक है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ मेक आउटलाइन। तो जो आप आउटलाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे मार्कर यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी है आप उसे यूज कर लीजिए। आप चाहें तो ये फ्लावर जिस कलर से करेंगे उसी कलर की आउटलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ये फ्लावर रेड कर रहे हैं तो आप इसकी रेड आउटलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ब्लैक ही आउटलाइन करें। हम इस अम्ब्रेला की आउटलाइन करने वाले हैं। सेम स्ट्रोक की आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रॉ में इस तरह से ये डिजाइन भी दे सकते हैं। से मैंने दिया है तो भी थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लग रहा होगा ना, तो इस तरह से आप चाहें तो दे सकते हैं। सिंपल स्ट्रॉन्ग ना ड्रॉ करके इस तरह का स्ट्रॉ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। जैसे ड्रॉ किया था उसी तरह से हम इसकी आउटलाइन भी कर रहे हैं। हाफ इस साइड से और हाफ लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हैं। अब हम इसमें क्योंकि ये हमारा अम्ब्रेला है ना, सॉरी कोकोनट है, तो छोटी छोटी सी लाइंस इस तरह से बना दीजिए। जो कोकोनट शेल होता है ना ये वो है। यहाँ पे नेम मेंशन कर देते हैं, कोकोनट ड्रिंक। क्लास वन आज की जो टॉपिक था कोकोनट ड्रिंक पार्ट वन, तो ये हमारा स्केच ड्रॉ हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कलरिंग करने वाले हैं, तो आप अपने कलर के साथ रेडी रहिएगा और इसकी आउटलाइन पहले से ही करके रखिएगा। जब आप अपनी आउटलाइन कंप्लीट करके रखेंगे तो फिर कलर करने में ईजी रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।